कृष्ण की पत्नी है ना। आप पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य 18वां अध्याय भगवत गीता श्लोक संख्या 65 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने चिंतन बताया है, कैसे चिंतन करना है। केवल और केवल कृष्ण के मुरलीधर स्वरूप के अलावा किसी और स्वरूप का चिंतन नहीं करना। ये ऊंचे भाव है, आदि रूढ़ महाभाव पे भी मदन भाव, तो ऐसे भाव राधा रानी के अंदर है, उस भाव तक जाना है। अभी हम श्रद्धा पे और ज्यादा से ज्यादा साधु संग भजन क्रिया पर पहुंचे हैं, दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली दूर है तो उधर तक जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं, बड़ा साधारण सा है। एक चीटी है वो चंद्र लोक तक जाना चाहे, जा सकती है? कैसे, क्या पकड़ ले गुरु का चरण पकड़ ले, तो चरण तक तो गई, चंद्रमा तक कहां गई? देखिए शिव जी बैठे हैं शमशान में भभूति लगा करके, चीटी चली धीरे 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 शरीर के ऊपर चढ़ती गई और कहां पहुंच गई, सिर पर पहुंच गई। सिर पर क्या है, चांद है, शिव जी का नाम है चंद्रमौलेश्वर, चंद्रमौली को धारण करते हैं, तो चंद्रमौलेश्वर शिव जी के पास पहुंच गई। तो शिव जी कौन है, निम्न गणाम यथाम गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथाम शंभु पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में जिस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण है, जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं है, जिस प्रकार बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ वैष्णव का संग कर लो तो वो धीरे 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 अगर आप उनके सिर पर आ गए, यानी कि उनके प्रिय भक्त बन गए, तो चंद्रमा दूर है उस चींटी के लिए, कोई दूर नहीं, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आप वैष्णव के अगर आ गए, ऐसा भक्त जिसने प्रणय केली ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश किया है, हम रोज गाते हैं क्या, निकुंज योनो रति केला सीधाई यायाली भेयो तेरा पेक्षणीय तत्रादि दाक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज योनो रति केले सिद्धि, क्या हमें ये बिलीव है कि हमारे गुरुजी रोज निकुंज में जाते हैं? अगर ये बिलीव ही नहीं है आपको गुरुजी पर, तो फिर आप, गुरुजी कहां हुए आपके, आप कहां उनके हुए। निकुंज योनो रति केले सिद्धि, हमारे गुरु को भगवान की निकुंज लीलाओं में प्रवेश मिलता है, और वो इतनी रति है, इतना प्रेम है उनको, और वो बड़े दक्ष हैं इन लीलाओं को करने में। जब वो अपनी विग्रह सेवा करते हैं तो वो उनमें प्रवेश करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनमें आनंद लेते हैं, ऐसा भाव गुरु जी के प्रति कि हाँ है गुरु जी है मेरे, गुरु निष्ठा, तब तो व्यक्ति उस गुरु का सेवा करके उनका प्रिय डिवोटी बनेगा, और प्रिय डिवोटी बनकर के वो प्राप्त कर लेगा जो श्रद्धा के स्तर से सीधा लिफ्ट का बटन 0 से दबाया सीधा 10वें फ्लोर पे, वरना सीढ़ी से चढ़कर जाएंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, असंभव है। साधना के बल पर हम लोग नहीं जा सकते, हम कृपा सिद्धि के बल पर जा सकते हैं। और जो गुरु का अपमान करते हैं, गुरु को साधारण व्यक्ति मानते हैं, वैष्णवों का अपमान करते हैं, वैष्णवों को साधारण मानते हैं, कह रहे ये नहीं तो ये नहीं तो ये, जैसे शादी के लिए जाते हैं ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ और सही, एक जाति हजार आती, ये गुरु जी के साथ भी होता है, एक जाते हजार आते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये लोग कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तस्मात गुरु प्रपद्यते, तभी अत्यंत गंभीर भाव जागृत होगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।